तो गाइस अब वो सुबह का छुट्टी देखो जल्दी उठ गई है, सुबह 8:30 बजे उठ गई है। और लावी कहाँ है? लावी भी उठ गई है आज यहाँ पे। लावी गाइस देखो तो उठती नहीं है और आज ही उठ गई है यहाँ पे। उठ गए आप यहाँ पे 12 बजे से पहले नहीं उठते आप तो 8:30 बजे। हाँ जी, उठा दिया। कहाँ जा रहे हो? मैं मार्केट, मतलब सुबह सुबह जा रहे हैं, नाश्ता करना है ना, सुबह सुबह सामान लेने जा रही है छुट्टी दुकान पे। और लावी भी साथ साथ जा रही है, आई तो है लावी अपने छुट्टी दीदी के लिए ही। जाओ ले आओ कुछ। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और सुबह में आपका स्वागत है। और अभी आपने आपको दिखाया लावी गई है सुबह सुबह यहाँ पे उठ गई है। उनकी मम्मी के यहाँ पे सब जल्दी उठ जाते हैं तो अभी 8:30 बजे उठ गई है। सुबह चाय नाश्ता करेंगे तो उसका सामान लेने गई है छुट्टी के साथ। उसी के साथ रहती है, उसी के साथ सोती है, सब कुछ उसी के साथ करती है। अब बाबू यहाँ पे सो रही है। और चलो मैंने तो वैसे सुबह नाश्ता मतलब एग वगैरह खा लिए थे, मम्मी ने बॉईल कर देती है ना मॉर्निंग में, तो वो तो खा लिए थे। अब नाश्ता करेंगे फिर मिलेंगे, फिर डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। आज बाबू को नहलाएंगे हम, तो जब उसको नहलाएंगे तो वीडियो जरूर बनाएंगे। अरे ये भी उठ गई करती है, तो चलो मिलेंगे थोड़ी देर में। देखो अब सुबह हो गई है, चाय का टाइम है, चाय लग गई है यहाँ पे सबकी। और छुट्टी निकाल रही है फैन पापे और भाभी ने बन वगैरह सीखे हैं। और लावी चाय पियो या आप चाय नहीं पीते? आज मन कर रहा है लावी यहाँ पे आके चाय पिएगी, तो हम लोग चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। A few moments later. तो गाइज हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, बाबू की भी हुई है मसाज। अब बाबू का है नहाने का टाइम, अब बाबू को हम नहाने जा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी आज का नहाएगी। बाबू को दे रखा है गोदी में, तो लावी चले नहलाने बाबू को? आप भी नहाओगे ना? और बाबू को नहलाएंगे फिर लावी को नहलाएंगे। हाँ, तो बाबू को नहलाने के लिए देखो टब वब तैयार कर लिया। मम्मी यहाँ बैठ गई, लावी और चिट्टी सारे बैठे बाबू को नहलाएंगे, तो मैं बाबू को दे देती हूँ। मजा आ रहा है शहजादी, फिसल रही है, पिट भी गई है मम्मी की हेल्प करने के लिए कि मम्मी पकड़ती है थोड़ा, इसको नहलाने का बहुत शौक है पकड़ने का बाबू को। शहजादी नाली शहजादी, अब थोड़ा रोएगी होगी, मुंह पे साबुन लगेगा थोड़ा सा। A few moments later. गाइज बाबू नहा ली शहजादी हमारी, अब मैं भी नहा लेती हूँ। सब बैठे हैं नहाने के लिए, लावी भी नहाएगी, हम लोग नहा धो के फिर मिलते हैं। चलो मैं भी नहा लेती फिर मिलते हैं। तो गाइज मैं भी नहा धो के हो गई रेडी और फैन की आवाज को वाइट करना, भाभी भी यहाँ पे आएंगी। मैं भी तैयार हो गई, बस अब बाल सुखा रही, क्योंकि हमारे में कहते हैं गीले बाल में बेबी को फीड नहीं कराते, तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए भाभी के बारे में पंखे के नीचे यहाँ पे अपने बाल सुखा रही हूँ और बेबी का नहा ली थी, बस हम भी नहा ली, अब नीचे जाते हैं खाना वाना खाते हैं। थोड़ा बहुत और रह गया ऊपर के थोड़े गीले हैं, तो पंखे के नीचे मैं उसको सुखा रही हूँ कि सूख जाए बाल अच्छे से, फिर जाते हैं। आज हेड वॉश भी किया है मैंने, बहुत गंदा हो रहा था तो बाल बाल धो लिए, अब बस सूख जाएंगे थोड़ा, फिर नीचे चलते हैं और बाल सूख जाए फिर नीचे जाती हूँ और भाभी के बालकनी पे खड़ी हूँ।
अब ना हैबिट भी छूट गई है, मतलब इतने नीचे झांकने की तो बहुत डर सा लग रहा है। फोर्थ फ्लोर है भाभी का, मतलब सॉरी थर्ड फ्लोर है, तो नीचे झांक रही हूँ ना, तो देखो कितना नीचे लग रहा है, बहुत डर भी लग रहा है झांकने में, हैबिट छूट गई है। तो बस अब बाबू भी नहा धो के मस्त सो रही है, क्योंकि मम्मी ने मालिश वगैरह कर दी थी, अब मालिश वगैरह के बाद बच्चे बहुत अच्छे से सोते हैं, तो वो सो रही है। तो देखो मैंने नहा धो भी ली, वो अभी तक सो रही है। अब बस नीचे जाऊंगी, अब भूख लग रही है बहुत, कुछ खाना वाना खाएंगे। अब मैं नीचे जा रही हूँ, बाबू पता नहीं उठी नहीं उठी है, देखती हूँ। तो गाइस मम्मी ने बाबू को पूरा कवर कर दिया, क्योंकि आज नहाई थी ना तो हवा ना लगे, पंखा चल रहा है, ठंड लग जाएगी, तो पूरा कवर करके सुला रही है। देखो एक दो, बाबू यहाँ सो रही है मस्त। तो चलो इसको सोने दो, जब उठेगी तब दिखाएंगे। तो गाइस सब नहा धो के रेडी हो गए हैं, ये दोनों में लावी, तो ये लोग नहा लिए, अब ये लोग खाना खाएंगे, मैंने तो खाना भी खा लिया। हम हाँ दाल चिकन भी बनाया, मटन भी बनाया, तो ये मामी बनाती है बेटा, तो मटन बनाया है, तो मैंने तो खा लिया, अब ये दोनों खाएंगे। मैं मम्मी खा चुके हैं, बाबू भी सो रही है, थोड़ी देर में मिलेंगे। A few moments later. तो गाइस हम लोग सो रहे थे आज, और हमारे जीजू आके हमें सरप्राइज दिया, मेरे जीजू आए हैं हमसे मिलने के लिए, सभी जानते हैं इनके जीजू, हेलो कर दो। तो गाइस मैं जीजू आए हैं आज हम सभी से मिलने, और इस बार मैं हूँ तो मैं देखूंगी मेरे से मिलने आए, और बाबू तो यहाँ पे सो रही है, तो बात बात करते हैं जीजू से, फिर मिलते हैं आपसे। ना गुड नाइट नहीं उठा मत उसको, अब सोंदे अभी जग रही थी, अभी सोई है वो, तुम लोग नहीं थे। गाइस मेरी जीजू लाए हैं बहुत गर्मा गर्म गुलाब जामुन, एक पिंगोली मिठाई, तो वही खा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो ये है गुलाब जामुन और ये पिंगोली मिठाई है, तो बहुत टेस्टी है, मैं अभी थोड़ा चखा था, चलो मैं खा लेती हूँ। अब बाबू तो सो ही रही है आज, तो चलो मैं खा लेते हैं, बच्चे सारे ऊपर हैं, फिर मिलते हैं। Later that same evening. तो गाइस अब मैं बैठी हूँ, शाम को चाय वाय भी हमने पी ली है, और मेरे जीजू आए हुए थे, वो भी अपने घर गए, और बाबू यहाँ पे सो रही है, आई थिंक उन्हें सुसु क्या है, हिल रही है, तो मैं चेंज वगैरह कर देती हूँ। और भाभी के डैडी का भी आने का टाइम हो गया, आज वो आने की सोच रहे थे, तो क्या पता वो आए, अगर वो आएंगे तो कब शूट करूँगी, तब दिखाऊंगी। तो गाइस बहुत रात हो गई है, हम लोगों ने खाना भी खा लिया, लाभी के डैडी का वेट कर रहे थे, 10:30 हो गए हैं, तो अब सोने का टाइम हो गया है, तो बहुत टाइम हो गया, लाभी डैडी आए नहीं है, ऑफिस में कुछ काम था तो उस वजह से वो नहीं आ पाए, तो अब वो उनका कॉल आया था, वो घर ही जाएंगे सीधा, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तब मिलेंगे उनसे, अभी तो वो नहीं आ पाए। और लाभी यहाँ लेटी हुई है अपनी छोटी बहन के साथ, तो लाभी को मम्मी अब घर छोड़ने जा रही होंगी, कल इसका स्कूल है इसीलिए तो और रुक जाती, तो मम्मी इसको छोड़ने जा रही है लाभ को घर पे। और मेरे भाई का भी कॉल आया अभी कि क्या खाएगी, रोज फोन करता है मेरा भाई क्या खाएगी, वही लेके आता है, बट इस टाइम बाहर के इतना नहीं खाते, तो मैंने उसको बोला जलेबी लाने के लिए, मुझे जलेबी बहुत पसंद है, करारे करारे, तो भाई कह रहा है ठीक है मैं ले आऊँगा, तो भाई आएगा ना फिर मिलेंगे। A few moments later. भाभी ने बाबू को उठा दिया, कह रही उठ जा, हुई बहुत रात हो गई है, और ये अभी तक सो रही है, रात को परेशान करेगी, रात को क्या करेगी, इसीलिए भाभी ने अभी उठा दिया कि थोड़ी देर उठेगी तो रात को डिस्टर्ब ना करे, अच्छे से सो जाए। भाई लेके आए रात को जलेबी, तो हम सब बैठे हैं और रात को जलेबी पार्टी कर रहे हैं, और ये रखे जलेबी, तो जिसको भी खानी आ जाओ हमारे घर पे, और गरम गरम जलेबी खाओ, भाई ये करारी करारी बनवा के लाता है, टेस्टी विदाउट कलर, तो हम लोग खा लेते हैं और इसी तरह ब्लॉग का एंड करते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट, आज का ब्लॉग जैसा भी आपको लगा अच्छा बुरा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और थोड़ा अवॉइड करना है ये सब, अब बच्चे का घर है तो पोतड़े वोतड़े आपको दिखेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट, तो बाय बाय कर दो, गुड नाइट।